वो है 1 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में होटल की छतरी टूटी हुई है। ये पर्दा देखा कितना गंदा है। हाय मुझे 24 घंटे इस होटल में रहना है। 3,000 रुपए का कमरा कहो, ये 16,000 रुपए का हमने एक दिन के लिए बुक किया है। माय गॉड लग्जरी फील। 10 गुना बड़ी इनकी लॉबी है सिर्फ। इतने साफ तो मेरे घर के चद्दर और पिल्लो नहीं है भाई। खिचड़ी 1,020 रुपए की है, नॉर्मल रोटी 270 रुपए की। मेरे लिए टॉर्चर में तब्दील हो चुका हुआ है। आज हम रुकने वाले हैं भिन्न भिन्न प्रकार के होटलों में, 1 सितारा से लेकर 5 सितारा होटल तक। पर इसमें है एक चैलेंज और एक ट्विस्ट। हमारी किस्मत डिसाइड करेगी कि हम कौन से सितारा होटल में रहने वाले हैं। और ये किस्मत जो है वो एज ऑलवेज डिसाइड करेगी ये पर्चियां। ओहो तो जल्दी जल्दी से अपनी अपनी पर्ची निकाल यार। तुम दोनों पहले उठाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है घोटाला किया है दोनों। चीटिंग करता है तू मतलब घोटाला करके ये चीज क्यों देखो मेरा आया 3 स्टार होटल, अच्छा नहीं है पर बुरा भी नहीं है। मेरा आया है 4 स्टार होटल। और अब आप सोच रहे होंगे कि 5 स्टार होटल किसका है, तो 5 स्टार में तीनों जाएंगे पर इसमें एक एक जो नहीं जाएगा। शिट तो ये आज अपने इस एडवेंचर के लिए मैं हूँ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि कैटेगरी जो मेरे पास आई है होटल की वो है 1 स्टार। और जो होटल मैंने बुक कराया है उसकी कीमत सुन के सारे दंग हो जाएंगे। मात्र 300 भी नहीं, 298 रुपीज खर्चे है मैंने आज अपने स्टे के लिए। अगर ये स्टे बढ़िया रहा ना, आज के बाद मैंने होटलों पे ज्यादा पैसा खर्चना ही नहीं है। तो तुम्हारे भाई की किस्मत आज ना ज्यादा बुरी है ना ज्यादा अच्छी है। 3 स्टार होटल मेरे को आया है। मैंने कराया मात्र 1600 रुपए में अपना 3 स्टार होटल बुक, सेक्टर 7 चंडीगढ़ में। लग चुकी है मेरी लॉटरी क्योंकि मेरा आया है 4 स्टार होटल। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आदित्य और ओंकार के कंपैरेटिवली आज मैं बहुत ही ज्यादा सुखद मंगल रात व्यतीत करने वाली हूँ अपने होटल में एकदम लग्जरी के साथ। तो भी चलते हैं अपना होटल ढूंढते हैं, थोड़ा गलियों में है। गोल्डन हाइट्स कहाँ पे? तो जो मेरी एक्साइटमेंट थी ना होटल को लेके, वो एक डर में तब्दील हो चुकी हुई है भाई। जब किसी को होटल के बारे में पता ही नहीं कहाँ पे है, पता नहीं भाई अब तो होटल कैसा होने वाला है। भाई साहब एक बात तो माननी पड़ेगी, होटल के सामने हम पहुंच गए हैं। लोकेशन होटल की एक नंबर है, मध्य मार्ग पे बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे होटल है। कमरे का देखो मुझे अभी भी कोई ट्रस्ट नहीं है कैसा होने वाला है, बट एक चीज है लोकेशन बहुत बढ़िया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं रुकने वाली हूँ 4 स्टार होटल में, तो मुझे इस जगह को ढूंढने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई है। होटल जो है हमने खुद की मेहनत से ढूंढ लिया हुआ है और होटल की छतरी टूटी हुई है। मुझे 24 घंटे इस होटल में रहना है। ये है अपना होटल गोल्डन हाइट। अब जल्दी से देखते हैं अपना कमरा कैसे होने वाला है। बारी आ चुकी है अपना ये आलीशान रूम का टूर देने की, जो कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो जाता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। इस रूम में है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पेट जिसपे पान की पीके हैं या किसी के जूतों के निशान, हम नहीं समझ पा रहे। अगर आप समझ पा रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस रूम में मिलता है अपने को टीवी जिसकी तार तो यहाँ लगी हुई है, पर ये तार जाएगी किस में वो पता नहीं। और इस रूम में मिलता है अपने को बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक शीशा जिसके अंदर पुष्पा तैयार होता था। झुकेगा नहीं सारा, पर शीशे में थोड़ा सा झुकना पड़ गया उसको। मगर क्यों टेढ़ा है ना। और पता नहीं कैसे इस रूम में अपने को इन्होंने एसी की प्रोविजन दे दी हुई है जिसका रिमोट नहीं है, और ऑन कहाँ से होना वो भी नहीं पता। और अगर बाई चांस आपको अपना फोन चार्ज करना पड़े, वहाँ पे स्विच है पर सॉकेट नहीं है। अगर आप इस कमरे पे बहुत ही शोर शराबे वाले काम कर रहे हो तो आपकी आवाज बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगा एक बहुत ही स्पेशल पंखा जो कि बहुत आवाज करता है, वो आपकी आवाज बाहर जाने नहीं देगा। तो गाइस इस बजट फ्रेंडली होटल में आपका स्वागत है। दिखाते हैं आपको 1600 रुपए में आपको क्या क्या मिलता है 3 स्टार रूम के अंदर। पहली चीज आपको मिलती है रूम की जो कि मुझे शंका है कि ओंकार को मिली होगी या नहीं। कुंडी का तो सिस्टम है पर ताले का सिस्टम ही नहीं है। दूसरी चीज मिलती है हमको एसी जो कि ओंकार को तो 300 रुपए में कतई नहीं मिली होगी।
एक टीवी जो कि सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि ये चल नहीं रहा है। मैं 10 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भी हाइट से छोटे पर्दे जो कि मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। एक बहुत ही अच्छे टेक्सचर वाली दीवार जो कि मुझे सीलन जैसी लग रही है। सामान रखने के लिए बहुत ही बड़ी अलमारी जिसमें मेरे सिर्फ कच्चे ही आ सकेंगे। तो गाइस, ये रहा मेरा 4-स्टार कमरा। उन दो गरीबों का मुझे पता नहीं, बट आई हैव दिस की जिसको हम जब इस खड्डे में पाते हैं तो कमरे में चानन हो जाता है। आप सोच रहे हो मैं कुत्ते वाली हरकतें क्यों कर रही हूँ। सो गाइस, जब हम किसी अच्छे होटल के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले एक एम्बियंस होता है जगह का। ये पता नहीं सीलन की स्मेल है, किस चीज की स्मेल है, पर चलो कोई बात नहीं। ये जो हमारा 3000 रुपए वाला कमरा है, इसमें मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इसमें पखा नहीं है। पखे की जगह इन्होंने सेंट्रल एसी लगाया है, जो कि मेरे को फील दे रहा है कि यस आई एम इन 4-स्टार होटल। और उसके साथ साथ जो यहाँ की लाइटिंग है बहुत ही बढ़िया है, और इनका वॉलपेपर बहुत ही देसी है। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इस कमरे के बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स दिखाऊं। मैं अभी बोलने लगी थी, गाइस लुक एट द चेयर्स, दे आर सो ब्यूटीफुल एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ काउ। बट जैसे मेरी नजर पड़ी फर्श पे, आई एम लाइक आथू फिटे मूव। गाइस, मैंने लिया कमरा 7th फ्लोर पे, क्यों? बाहर का व्यू एंजॉय करने के लिए। व्यू तो कुछ खास है नहीं है। कैमरामैन क्लोज अप, लुक एट द गंदगी। मतलब अगर किसी को ओसीडी हो, कोई साफ सफाई का शौकीन हो, सबसे पहले कपड़ा लेके पहले यहाँ साफ सफाई करेगा। और ये पर्दा देखना कितना गंदा है। आई हाय, इस कमरे की मैं बहुत बुराई कर चुकी हूँ, अब मैं करूंगी थोड़ी सी तारीफ। ये रही हमारी अलमारी। अच्छी बात ये कि बहुत ही स्पेशियस अलमारी है। मैं ये चीज देख के खुश हूँ कि यहाँ पे फ्रिज है, केटल है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। और 4-स्टार में अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस कमरे में अपने को मिलता है संडास। आजा संडास दिखाता हूँ। संडास तो मिलता है, पर संडास में लाइट नहीं मिलता है। वो कह रहे अगर आपने यहाँ पे कोई काम करना है, देखने की जरूरत क्या है। तो जी, बाथरूम में खोज करते करते अपने को यहाँ पे दिखा गीजर। गीजर का यहाँ पे स्विच ही नहीं है। एक बार ही देखते, पानी यहाँ भी रहे, क्या पता टूटिया लगेगी, पानी हो ही ना। वाओ मेरी कार, यहाँ पे पानी आता है, हाथ साफ कर सकते हैं। और कुछ और भी गाइस, इसमें आपको मिलता है एक डिसेंट सा वॉशरूम। वॉशरूम सच्ची में बहुत ही बढ़िया है। मैं ना थोड़ा सा ट्रायल लेके आया वॉशरूम का कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा वेट करो। तो अब जी बारी आ चुकी है वॉशरूम देखने की, विच इज Not so that bad. अच्छा decent washroom है। अधिकतर और उपकार को ये साबुन और ये शावर जेल, कंडीशनर और शैम्पू नहीं मिला होगा, साथ साथ डेंटल किट 4-स्टार होटल में। और ये हेयर ड्रायर तो बिल्कुल भी नहीं। Shit. इस होटल में काफी घंटे बिताने के बाद मैं हो चुका हूँ बहुत ज्यादा बोर। और बेड पे मैं इसलिए नहीं लेट रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि इस बेड पे होंगे बेड बग्स, 300 रुपए बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो गाइस, 300 रुपए में हमको मिल चुका है यहाँ पे वाईफाई, एंटरटेनमेंट की सुविधा जो है वो हो चुकी हुई है। पता नहीं स्पीड कैसी होगी। 5-स्टार होटल की एक बात बहुत अच्छी होती है कि आपको कोई भी तकलीफ हो एज अ गेस्ट, 2 मिनट में वो बंदा भेज देते हैं उस तकलीफ को ठीक करने के लिए। यहाँ पे भी मुझे एक फोन दिखा है, टीवी हमारा चल नहीं रहा है, एक बार कॉल करके देखते हैं क्या ये टीवी को ठीक करने के लिए कोई बंदा भेजेंगे या नहीं। हाँ भैया, टीवी नहीं चल रहा है रूम का, कोई भेज देंगे आप? कह रहे भैया भेज देते हैं। जब मैं इस रूम में एंट्री की थी तो टीवी ऑलरेडी ऑन था, तो मुझे चला के देखने की जरूरत नहीं कि टीवी चलता है नहीं चलता है, ये ऑलरेडी चल रहा है। परंतु मैं आई हूँ 4-स्टार होटल में, यहाँ पे लोग टीवी देखने नहीं आते, यहाँ पे लोग आते स्विमिंग पूल एंजॉय करने और जिम करने। अब बारी आ गई है मेरा जासूस पुनः बाहर निकालने की। मैं इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ यहाँ की क्लीनलीनेस की। तो गाइस, गौर से देखिए इस बेडशीट को, उस पे है ये काले काले दाग। अब ये काले काले दाग किस चीज के है? दाग अच्छे मुझे नहीं पता। तो अब बारी आ गई है इस कमरे की छानबीन करने की, ये देखने की ये 3-स्टार होटल की क्लीनलीनेस का क्या लेवल है। नहीं आई, मकड़ी के जाले भी नहीं है। ओह शिट, नॉट गुड। डस्ट है इस कमरे में, कम है बट है। ग्लास पे देखो, किसी के होंठों के निशान तो नहीं है? उससे ये पता लगेगा कि ये ग्लास धोते भी हैं या ऐसे उल्टे करके रख देते हैं किसी के जाने के बाद। होंठों के निशान नहीं है। कम हेयर, 1 दाग फाउंड, पर वेरी लाइट, नॉट टेस्टेड। तो गाइस, मेजर 5 क्लीनलीनेस के मीटर्स पे ये रूम 4 पे खरा उतरता है, तो इसको मैं करता हूँ पास। तो गाइस, स्विमिंग पूल तो अभी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, रेनोवेशन चल रही है उसकी, तो मेरी किस्मत थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। परंतु मैं जिम को पूरा एंजॉय करूंगी, बिना जिम के कपड़ों और बिना जूतों के। सारे
मेरी मशीनों के पुर्जे और रखे खराब, इस पे तो कोई चढ़ेगा ना पक्का अपनी टांग तोड़वाएगा। मैं तो जा रही हूँ वापस रूम में। अभी ना मैंने नीचे रिसेप्शन पे भैया को बोला था कि बाथरूम में लाइट नहीं है, कृपया करके लाइट का कुछ करिए, तो उन्होंने बल्ब जो है फाइनली भेज दिया, भैया ने लगा दिया हुआ है। और मैंने भैया से पूछा ये गीजर कैसे ऑन होता है, ये इसका नहीं चलता है, ये एसी भी नहीं चलता, टीवी टीवी भी नहीं चलता, लगाया क्यों है? तो अब बारी आ गई है रेस्ट करने का। मैं आपको रूम टूर देखने बहुत ज्यादा थक गया था, टीवी अपना चल गया हुआ, केबल सारे इसमें आ रहे हैं, आराम से बैठते अपनी चद्दर में। तो गाइस इन चप्पलों में वर्कआउट करने के बाद मेरे को भूख इतनी जोर से लग रही है, और मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि मेन्यू है बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो मैं ऑर्डर करूंगी एक अराबियाता पास्ता और एक कोल्ड कॉफी। माय गॉड लग्जरी फील। इस होटल में ना मैंने 6 घंटे व्यतीत कर दिए हुए और अब ना जी भूख लग रही है बहुत ज्यादा जोरों शोरों से। मैं तो सच्ची बोलूं इस कमरे में मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पर चैलेंज लिया हुआ है तो करके तो दिखाना पड़ेगा। तो अभी मैं ना ऑर्डर कर रहा हूँ खाना बाहर से, क्योंकि इस आलिशान होटल में किचन की सुविधा नहीं है, और उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिसका कमरा ही ऐसा है उसकी किचन कैसी होगी। अब खुद ही अंदाजा लगा लो। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अपने लिए बिरयानी। बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे किचन की फैसिलिटी पूरी है, तो अपना ऑर्डर करते हैं और देखते हैं यहाँ का खाना कैसा होने वाला है। चलो। हेलो 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 कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। एक राजमा चावल है। जोमेटो वाले भैया का ना कॉल आ चुका हुआ है, नीचे कहीं पे भटक रहे हैं, उनको जल्दी से ढूंढते हैं। तो गाइस 300 रुपए के कमरे में 300 रुपए की आज बिरयानी खा के देखते हैं कैसा लगता है। ये होटल ना सच में अब मेरे लिए टॉर्चर में तब्दील हो चुका हुआ है। स्वाद तो है। तो गाइस खाना हमारा आ गया हुआ है, भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी ना, मैं बस वेट कर रहा था खाना आने की। और खाना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने किया नहीं है, नॉर्मल बॉइल राइस है अपने, और साथ में है छोले जो कि देखने में सच्ची बताऊं ओके ओके लग रहे हैं। चीयर्स गाइस। ओके ओके है, खाने लायक है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा स्वाद है। भाई साहब इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, इतनी जोर से भूख लग रही है, तो फटाफट देखते हैं कि पास्ता की शक्ल कैसी है। पास्ता अच्छा लग रहा है विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। नॉट बैड, मजेदार। बर्फ ही नहीं डाली, इनको पता नहीं गर्मियां आ गई है। नहीं तो गाइस खाने को मैं रेटिंग दूंगी 10 में से 5, क्योंकि कोल्ड कॉफी कोल्ड ही नहीं है एंड पास्ता इज लाइक ओके, बहुत अच्छा पास्ता नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस होटल की तो मैं दूंगी होटल को 10 में से 4 नंबर, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हाई थी। मैं इस कमरे में ना अब और नहीं रुक सकता हूँ, ये एक टॉर्चर में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। 12 घंटे से इस पखे की जो आवाज है ना वो सुन सुन के मेरा सिर दर्द होने लग गया हुआ है। रूम में इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है कि मेरा पेशेंस खत्म हो गया, और बेड पे मैं लेट सकता नहीं। दृश्य मेरे सामने द्वार का इतना ज्यादा गंदा है ना, मुझे लगता था मुझे OCD नहीं है, पर इस होटल में आके मुझे फील हो गया कि मेरे को भी OCD है। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ, मेरे तरफ से डन है, डन। ओह छोले चावल खा लिए मैंने 2 आदमियों जितने, अब बारी आ गई है सोने की। आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। The next day. तो जी अपना 1, 2, 3, 4 स्टार का होटल एक्सपीरियंस करने के बाद अब हम आ चुके 5 स्टार होटल पे। यहाँ पे करेंगे मजे मजे। वो लगता है कि 4 स्टार होटल में मेरे को मिला था बहुत ही लग्जरी एक्सपीरियंस। अबे रहने दे, कहाँ 3,000 रुपए का कमरा, कहो ये 16,000 रुपए का हमने एक दिन के लिए बुक किया है। जमीन आसमान का फर्क होने वाला है, जल्दी से चलते और देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्या है भाई साहब जो एक दिन के हमें 16,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। सारा होटल में एक चीज के तो बहुत ज्यादा मजे होते हैं, गाड़ियां बढ़िया बढ़िया देखने को मिल जाती है। होटल में एंटर करते ही ना फील हो रहा है बहुत ही ज्यादा गुड, और जितना मेरे पुराने वाले होटल का साइज था ना 10 गुना बड़ी इनकी लॉबी है सिर्फ। लास्ट जो मेरी मीटिंग थी ओबामा के साथ। हेलो मिस्टर, हमारे 5 सितारा होटल का एम्बियंस तो है भाई साहब एक नंबर। यहाँ घुसते जो खुशबू आई ना, वाह 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 मजेदार। अब ये देखना है कि रूम हमारा कैसा होने वाला है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। चलो
कमरे में एंटर करने से पहले एंटर करा जाता है इस कॉरिडोर में, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, कपड़े रख सकते हो, और यहाँ पे गुसलखाना। जितना मेरा पिछले होटल का कमरा था उतने साइज का गुसलखाना है। और भाई साहब कमरा हमारा एकदम बढ़िया आलीशान, इतना कलरफुल सा। और मुझे एक चीज जो बहुत क्यूट लगी, ये हाथी है तेरी जिंदगी में, उसकी जोर से नहीं। देखो आलसी लोगों ने आपको बेड दिखा दिया, एक आदमी ने आपको गुसलखाना दिखा दिया, बट हमें कॉर्पोरेट वाले लोग, तो मेरे लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ही आलीशान कुर्सी लगाई हुई है। अरे वाह, हम हैं इस टाइम फोर्थ फ्लोर पे और बाहर का नजारा कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, वाओ। जैसे कि आपको पता है फूडी वी की टीम को हर कोई हर जगह पहचान ही लेता है, तो ललित वालों ने भी हमें पहचान लिया और उन्होंने हमारे लिए केक भिजवाया है। वेलकम फूडी वी टीम, ओए होए, थैंक यू ललित होटल। तो गाइस इतना महंगा होटल बुक हमने किया है तो हमने हायर किया है डॉक्टर सालूखे को। सालूखे डॉक्टर आ चुके हैं, तो पहला टेस्ट हमारा है मकड़ी के जाले वाला टेस्ट। मकड़ी के जाले तो इस कमरे में नहीं। अब बारी आ गई हमारे दूसरे टेस्ट की, उंगली मारो मिट्टी हटाओ टेस्ट में भी हो गया है ये होटल का कमरा पास। अब बारी आ गई है टेस्ट नंबर 3 की, लेट्स सी। भाई साहब इतने साफ तो मेरे घर के चद्दर और पिल्लो नहीं है। मेरी सारी की सारी भूख जो है ना वो मर चुकी हुई है, क्योंकि होटल वालों ने मचाई हुई है लूट। भाई खिचड़ी दाल और चावल मिक्स करके जो चीज बनती है यहाँ पे, वो ही चीज 1020 रुपए की है। उसके अलावा नॉर्मल रोटी यहाँ पे वो है 270 रुपए की। मैं गरीब हूँ। तो ललित वालों थोड़ा सा रिसर्च कर लो, प्राइसिंग थोड़ी तो जेन्युइन लगे आपकी। हमने ना ऑर्डर किया है पिज्जा, अब देखते हैं 5 तारा होटल का पिज्जा कैसा होता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो ये पिज्जा अपना आ चुका हुआ है, इन्होंने जो ओरिगेनो दिया है ना वो प्रॉपर ओरिगेनो है, अगर पिज्जा सीजनिंग देते ना मजा आ जाता। स्वाद है, सच्ची में स्वाद है। उनको पता है फूडी वी वाले यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से बनाया। भाई प्राइस को अगर साइड पे रख देना, मुझे अच्छा लगा पिज्जा, बहुत बढ़िया। 5 सितारा होटल में आके अगर यहाँ के सारे फीचर्स को यूटिलाइज नहीं किया तो क्या खाक किया। चलते हैं जल्दी से इस होटल के जिम, चलो भाई। भाई सब जिम करने के बाद अगर आपका हेयर कट कराने का मन हो या स्पा कराने का मन हो, सारी फैसिलिटी अंदर ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे होटल में ये सुंदर सा पैसेज देख के मेरा मन कर रहा है कि कोई म्यूजिक वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि बिल्कुल वैसी वाली फील आ रही है। एक्चुअली ये है स्पा एरिया, कमरे दिखा दो स्पा वाले कहते हैं, यहाँ पे लेटो और मसाज दिखा दक दिखा दक। जब हम जाने वाले हैं स्विमिंग पूल के अंदर। मैडम 4 दिन से नहीं नहाई, सिर्फ इसी वेट में कि 5 सितारा होटल में जाके स्विमिंग पूल में नहाएगी। बांस मार रही है तेरे से, बांस कुछ भी, पानी ठंडा है मिट्टी। जा रही है 2 फीट वाले में, सच्ची में ठंडा। छोटी लड़की 2 फीट वाले में नहाती है। अब ना जी बारी आ चुकी है ब्रेकफास्ट करने की, भूख एज यूजुअल लगी हमें जोरों शोरों से। वैरायटी यहाँ पे बेशुमार है, जल्दी से अपनी प्लेट भरते हैं और आपको दिखाते हैं। भाई साहब वैरायटी देख के दिल जो है ना वो हो चुका है बहुत ज्यादा खुश। भाई कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पता नहीं कहाँ कहाँ का खाना यहाँ पे है। अभी फिलहाल वैरायटी आपको यहाँ पे टेबल पे कम दिख रही होगी, क्योंकि खाने की वेस्टेज हमने नहीं करनी है, खाते हैं और देखते हैं सिर्फ वैरायटी है या टेस्ट भी है। ये इडली के साथ ना इन्होंने यहाँ पे पाइनएप्पल की चटनी भी दी है, बहुत ही डिफरेंट लग रही है इडली पाइनएप्पल वाली चटनी के साथ। ये ब्रेकफास्ट की वैरायटी देख के टेस्ट देख के मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ठीक है यार, हमने पैसे खर्चे हैं पर ये एक यादगार चीज है, एक्सपीरियंस जो है ना टू गुड है। तो फाइनली बारी आ चुकी है चेकआउट करने की, एंड गाइस इस वीडियो को बनाने में आया बहुत ही ज्यादा मजा। अगर आपको भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और आप चाहते हो हम की ऐसी एक और वीडियो बनाए जिसमें हम करें इंडिया का चीपेस्ट होटल वर्सेस इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव होटल, तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1,00,000 लाइक का, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना फूडी वी को।